एक ऐसा बिजनेस है जो आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, गांव हो या सिटी, कहीं भी चलेगा यह बिजनेस। इसकी ज़रूरत शादी फंक्शन पार्टी, बर्थडे पार्टी, कार डेकोरेशन, पूजा हो या कोई खुशियों का त्यौहार, या हो किसी की डेथ, तो ये बिजनेस सामग्री लगता है दोस्तों। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें वरना आपसे कोई इंपॉर्टेंट बात मिस हो जाएगी। चलिए करते हैं बिजनेस की बात। मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि बिजनेस करेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस इंडिया पर। मैं हूं आपका दोस्त आरजे। आज हम बात करेंगे फूलों का बिजनेस, फ्लावर बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जो आप आसानी से कहीं भी शुरू कर सकते हैं। आपको पहले अपने नज़दीकी गांव या देहात में पता करना है कि फूलों का खेती कहां होता है। आप किसानों से डायरेक्ट संपर्क करके उनसे फूल खरीद सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको सस्ता फूल मिलेगा तो आप कस्टमर को सस्ता फूल सेल कर सकते हो। अगर नहीं मिलता है आपको अपने गाँव या देहात एरिया में फूल, तो आपको अपने नज़दीकी सिटी में जाकर पता करें कि फूलों का होलसेल मार्केट मंडी कहाँ लगता है, वहाँ से होलसेल रेट में फूल खरीद कर लाए और सेल करें। आपके ऊपर है। आप इस बिजनेस को 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो या उससे भी ज़्यादा पैसे लगाकर इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर बिजनेस को करना चाहते हैं। नहीं है, आजकल तो फूल देना एक फैशन सा हो गया है। ये किसी को गिफ्ट करना हो या फिर किसी से मिलना हो या अपने दिल की बात कहना हो, हर जगह फूल लगते। बिजनेस करेंगे तो आपको एक ठेला लेना होगा या फिर टेबल पर रख कर भी आप सेल कर सकते हो, या फिर कोई फूलों का शॉप ओपन कर सकते हो। आप अपने पैसे के हिसाब से देख लीजिएगा, मैंने आपको आइडिया दे दिया। लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट छोटे लेवल से ही करो, बाद में आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा तो फिर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करो, अपने बिजनेस को रन करो। इस बिजनेस को कहाँ करें? इस बिजनेस को आप मंदिर के पास, दरगाह, मस्जिद के पास, चर्च, गुरुद्वारा के पास, किसी चौराहा के पास, मेन बाज़ार, मार्केट के पास, अपने नज़दीकी सिटी के पास, कहीं भी कर सकते हैं। आप फुल सेल करने के अलावा आप शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी या फिर कार डेकोरेशन, पूजा हो या त्यौहार, स्टेज डेकोरेशन को ऑर्डर ले सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। इस बिजनेस में आपको 30-40% का प्रॉफिट होगा दोस्तों। आप बड़ा भी कर सकते हो, आप फूलों को बाहर देशों में इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन ये बाद में करने का सोचिएगा क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग हुई। इसमें नुकसान की बात करें तो आपको अपने सेल के हिसाब से माल खरीदना होगा, हमेशा पानी मारना होगा और आपको कोई नुकसान नहीं है इस बिजनेस में। आप डेली का 1,000 से 2,000 या उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। लगन के दिन में तो आपको फुर्सत नहीं मिलेगा, इतना फूल का डिमांड है। लेकिन आपको कोई भी बिजनेस करने से पहले अच्छे से समझ ले, जल्दीबाजी ना करें, सोच समझ कर किसी बिजनेस को करें। मुझे लगता है मैंने आपको इस बिजनेस के बारे में अच्छे से समझा दिया। ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और आपको कोई डाउट है इस बिजनेस को लेकर तो कमेंट करिएगा। अगर दूसरा कोई बिजनेस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। हूँ कि आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने भाई को सपोर्ट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, और घंटे को दबा दे, ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दे, जिससे कि वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।